नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके एक बार फिर से आपके अपने चैनल रेलवे नगर में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे मालदा टाउन रेलवे स्टेशन के बारे में, जो कि पश्चिम बंगाल के मालदा सिटी में मौजूद है। दोस्तों यह रेलवे स्टेशन ईस्टर्न रेलवे जोन के मालदा रेलवे डिवीज़न के अंदर आता है, जो कि मुख्य रूप से न्यू जलपाईगुड़ी न्यू फरक्का जंक्शन लाइन पर स्थित है। दोस्तों यह रेलवे स्टेशन समुद्र तल से 30 मीटर की ऊँचाई पर मौजूद है और यहाँ का स्टेशन कोड MLDT है। दोस्तों आपको बता दूँ कि इस वायरस से पहले यह रेलवे स्टेशन प्रतिदिन 110 से भी अधिक ट्रेनों को ऑपरेट करता था और यहां से प्रतिदिन 1 लाख से भी अधिक यात्री पास होकर गुजरते थे। लेकिन दोस्तों अब इस वायरस के टाइम पर यह रेलवे स्टेशन प्रतिदिन बस 4 ही ट्रेनों को ऑपरेट करता है और यहां से प्रतिदिन 2000 से भी अधिक यात्री पास होकर गुजरते हैं। दोस्तों इसी स्टेशन पर प्लेटफॉर्म की बात करें तो यहाँ पर प्लेटफॉर्म की संख्या 7 है और चाइनीज वायरस से पहले यहाँ पर प्रतिदिन 94 ट्रेनें होल्ट होती थी और यहाँ से प्रतिदिन 18 ट्रेनें ही ओरिजिनेट होती थी और 18 ट्रेनें ही यहाँ पर टर्मिनेट होती थी। दोस्तों आपको बता दूं कि यह रेलवे स्टेशन देश की राजधानी दिल्ली समेत देश के विभिन्न बड़े नगरों एवं देश के विभिन्न बड़े राज्यों से सीधा कनेक्टेड है और यहाँ से पास होने वाली ट्रेनों में शामिल है ब्रह्मपुत्रा मेल, फरक्का एक्सप्रेस, मालदा टाउन, सूरत एक्सप्रेस, अगरतला हमसफर एक्सप्रेस, दार्जिलिंग मेल, गुवाहाटी गरीब रथ एक्सप्रेस, गुवाहाटी एक्सप्रेस, सिलचर एक्सप्रेस, सूरत एक्सप्रेस, MKI एक्सप्रेस, सुपरफास्ट पैसेंजर, डेमो मेमो इत्यादि ट्रेनें भी शामिल है। दोस्तों अब बात करते हैं इस स्टेशन की हिस्ट्री के बारे में। तो इस स्टेशन को खोला गया था 1971 में और अब यह स्टेशन पूर्ण रूप से इलेक्ट्रिफाइड है। यहाँ पर डबल इलेक्ट्रिक लाइन मौजूद है और दोस्तों इस स्टेशन पर पार्किंग, एस्केलेटर, MKI इत्यादि अन्य वह सारी सुविधाएं भी उपलब्ध है, जो कि एक आम यात्री को अपनी यात्रा के दौरान चाहिए होती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपने जाना मालदा टाउन रेलवे स्टेशन के बारे में। अगर आपको मेरी ये जानकारी इस स्टेशन के बारे में पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। टिल देन सभी को जय हिंद, जय भारत।